क्वेश्चन है, ए सिस्टम ऑफ बोर्ड 20 kg, मिस्टर ए 10 kg एंड मिस्टर बी 20 kg आर एट रेस्ट इनिशियली। मिस्टर ए स्टार्ट रनिंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 m/s एंड मिस्टर बी विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 m/s। दे कोलाइड एट हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ बोर्ड। जस्ट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ मिस्टर ए इज 20 m/s इन लेफ्ट डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ बी इज 10 m/s इन राइट डायरेक्शन। फाइंड velocity of ship as they start moving। velocity of ship निकालनी है जब ये moving करें, start करना, move करें, start moving, start। जब ये चलना शुरू कर, दौड़ना शुरू करते हैं तो velocity of ship क्या होगी? velocity of ship just before collision and after collision ship की velocity बतानी। तो तीन बतानी है, पहले जब ये start करें उस time velocity of ship क्या होगी? तो velocity of ship first part में, तो इस केस में इसके कंपोनेंट आ जाएंगे। एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लेंगे तो हमारे पास एंगल क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल अगर हम निकालें, अगर एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे हम तो उस केस में हमारे पास ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे कि नीचे की तरफ एक इस तरफ, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 cos 60 यानी कि 5√3 और क्या आ जाएगा हमारे पास 5। 10 cos 60 क्या, cos 60 ये 5 आएगा, 1/2 होता है और ये 5√3। ऐसे इसके कंपोनेंट लेंगे, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 तो ये 60, तो इसके कंपोनेंट 20 cos 60 यानी कि 10√3 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, 10। ओके, तो हमें बताना है वेलोसिटी जब ये स्टार्ट करते हैं रनिंग करना तो उस केस में वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें बताना है। ये 10 ही होगी कि 1/2, ये 10√3। cos 60 होता है 1/2, cos sin 60 होता है √3/2। तो हमारे पास जो चीज जब स्टार्ट करेंगे तो उस केस में माइनस साइन m1u1, मास कितना है इसका, 10 kg है और वेलोसिटी क्या है, 5। हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी लेते हैं तो 5 × 10 करेंगे तो 50, माइनस इसका 20 × 10 तो 200 डिवाइड बाय में टोटल मास कितना आ गया, 20, 10 और 20 यानी कि 50। तो वेलोसिटी ऑफ शिप क्या आ जाएगी, माइनस 50 + 200 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, 50 यानी कि 150 डिवाइड बाय में 50, तो 3 m/s हमारे पास क्या आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ शिप व्हेन इज दे स्टार्टिंग। तो हमारे पास पॉजिटिव आई है यानी कि राइट डायरेक्शन में होगी, टुवर्ड्स राइट। ये हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ शिप जब ये स्टार्ट करते हैं मूविंग, मूव करना स्टार्ट करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ शिप हो जाएगी 3 m/s टुवर्ड्स राइट। इनिशियली ये क्या थे, रेस्ट में थे, इस वजह से हमारे पास क्या जाएगा, हम व्हेन इवन जब ये स्टार्ट करते हैं तो वो वेलोसिटी। अब हमें बताना है बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ शिप क्या हो जाएगी। देखिए मैन यहाँ आ जाएगा, ये वाले मैन यहाँ आ जाएगा बिफोर कोलिजन, इसकी स्पीड इधर होगी 20 m/s और इसकी स्पीड इधर होगी 10 m/s। ओके, तो हमारे पास क्या जाएगा, माइनस साइन m1 10 × 100 माइनस 10 × 100 माइनस 20 × 20 400 डिवाइड में टोटल मास है 50। तो हमारे पास क्या है, 300 डिवाइड बाय में 50 तो ये 6 m/s आ जाएगी बिफोर कोलिजन। अब हमें बताना है आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड इसको मिल जाएगी, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इसको मिल जाएगी, ये इधर थी तो इधर होके मिल जाएगी इसको 10 m/s और इसको इधर हो जाएगी 20 m/s। इधर ये आपस में क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएंगी, इसको इधर मिल जाएगी 10 m/s की और इसकी क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी 20 m/s की। वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी आफ्टर कोलिजन, इन दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो 10 केजी वाले को कितनी वेलोसिटी मिल जाएगी, 20, और इसको 20 केजी वाले को वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 10 m/s। ओके, आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, माइनस साइन, ये हमारे पास क्या जाएगा, माइनस 200 आएगा, क्या गया, माइनस 200 क्योंकि हमारे पास क्या है, जाना इधर है इसको, तो हमारे पास क्या गया, माइनस 200 क्योंकि नेगेटिव में है वेलोसिटी, तो माइनस 200 प्लस 200 डिवाइड बाय में टोटल मास 50।
यानी क्या आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ शिप आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर, 0 आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ शिप क्या आ जाएगी, 0 आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ शिप क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि ये क्या नेगेटिव राइट से इसमें नेगेटिव आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी ये 0। दिस इज द क्वेश्चन। वेलोसिटी ऑफ शिप बतानी थी जब ये मूव करे स्टार्ट करना बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन।